ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट कमेंसलिज्म, विच वॉज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड द अदर वाज इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। एक एग्जांपल दिया था मैंने शकर फिश का, शकर फिश एंड शार्क। शकर फिश जो नामी शकर शक्करनस चक्कर चिपक जाता है, ये शार्क फिश जो होती है उसके पीछे मतलब जो उसका पार्ट जो पानी की तरफ होता है उससे अटैच हो जाता है और अपने आप को वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाता है। अब और उसके साथ साथ वो फ्री में मूव भी करता है तेज़ी में, शार्क तेज़ी से, तो उसके साथ ये अटैच हो जाता है तो खुद मूव भी कर लेता है। ठीक है, तो शकर फिश एंड शार्क ये कॉमेंसलिज्म है। इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं है लेकिन शकर फिश को फ़ायदा है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है प्लस वो फ्रीली मूव कर लेता है इधर से उधर। पायलट फिश एंड शार्क ये भी एक होता है, वो भी काम यही करता है। पायलट फिश जो होता है अपने आप को शार्क के बॉडी से अटैच कर लेता है। ठीक है, और शार्क जब खाना खाता है तो जब वो कट करता है तो मान लो उसके कुछ पार्ट टूट के गिर गए तो वही वो खा के अपने आप को ज़िंदा रखता है, दैट इज़ पायलट फिश। ऐसा ही एक रिलेशन होता है सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब का। ठीक है, सी एनिमोन क्या होता है, ये क्या सिलेंट्रेटा फैमिली का होता है। सी एनिमोन जो होता है बहुत ही सेडेंट्री होता है, मतलब वो मूव नहीं करता है, लेकिन हर्मिट क्रैब क्या होता है, वो फ्री मूविंग होता है। तो हर्मिट क्रैब जो होता है आके ये सी एनिमोन के अंदर रहता है, उससे सी एनिमोन को कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन हर्मिट क्रैब जो होता है उसको फ़ायदा होता है, उसको शेल्टर मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो सी एनिमोन एडैम्शिया एंड हर्मिट क्रैब यूपैग्यूरस बोलते हैं उसे, ये भी एक कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। ठीक है, एक और रिलेशन होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इस पर है नहीं फिर भी ध्यान ध्यान। प्रोटो कोऑपरेशन, क्या प्रोटो कोऑपरेशन, इसमें क्या है कि देखो नाम क्या है, प्रोटो कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये एक ऐसा रिलेशन जो होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो आपस में रिलेटेड हैं उससे दोनों को फ़ायदा होता है, लेकिन जब वो अकेले रहें तो भी वो ज़िंदा रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मर जाएंगे। तो इसको हम लोग फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म इसके बाद मैं डिस्कस करूँगा, सिम्बायसिस जिसे बोलते हो। इसमें दो ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों को बहुत फ़ायदा है और दोनों को एक साथ रहना ज़रूरी है उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के, दोनों अकेले नहीं रह पाएंगे। लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें फ़ायदा इस बार भी दोनों को ही है लेकिन वो अकेले भी रह सकते हैं, इसी कारण उसको फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं। फैकल्टेटिव मतलब जब ज़रूरत पड़े तो, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे क्रोकोडाइल बर्ड एक होता है, ठीक है, वो क्रोकोडाइल के माउथ के पास रहता है। ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटो कोऑपरेशन है। उसका काम क्या है, वो आता है क्रोकोडाइल के माउथ के पास और क्रोकोडाइल के माउथ के साथ चूंकि वो पानी में रहता है तो बहुत सारे लीच वगैरह उसके अटैच होते हैं तो उसको रिमूव करके अपना भोजन बना लेता है उससे वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हटाएगा तो क्रोकोडाइल मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटो कोऑपरेशन। और लास्ट डिस्कस करते हैं म्यूचुअलिज्म जिसे आप सिम्बायसिस बोलते हैं। ये एक ऐसा रिलेशन है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिलेटेड हैं उसमें दोनों को फ़ायदा होता है और दोनों अकेले नहीं रह सकते हैं। तो इनका इवोल्यूशन, इनका ग्रोथ जो होता है एक दूसरे के साथ ही होता है। तो म्यूचुअलिज्म जो होता है रिप्रेजेंट्स को इवोल्यूशन, साथ ही के जो इवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द ऑर्गेनिजम्स टू स्टे टुगेदर। सो म्यूचुअलिज्म इज़ अ काइंड ऑफ रिलेशन और इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड एंड दे कैन नॉट लिव सेपरेटली। जैसे लाइकेन, इसमें एक एल्गी होता है, फंगस होता है। एल्गी नीचे होता है उसका, सॉरी ऊपर होता है, फंगस नीचे होता है, ज़मीन से अटैच होता है। फंगस का काम क्या होता है, पानी को खींचना और एल्गी को सप्लाई करना, और एल्गी सनलाइट वगैरह यूज़ करके अपना फूड क्रिएट करता है। ठीक है,
तो एल्गी को बोलते हैं फाइकोबियंट पार्टनर, और फंगस को बोलते हैं माइकोबियंट पार्टनर। माइको का मतलब होता है फंगस, फाइको का मतलब होता है एल्गी। तो लाइकेन जो है अकेले नहीं बन सकता है कि सिर्फ एल्गी से बन जाए या सिर्फ फंगस से बन जाए, नहीं, दोनों का साथ में होना जरूरी है, तब उसे लाइकेन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होता है इसी का एक माइकोराइजा, ये भी हमने पढ़ा। माइकोराइजा इट्स अ रिलेशन बिटवीन फंगस, एग्जाम्पल के लिए बोलिटस इज अ फंगस जो, और वो किसी हायर प्लांट्स जैसे पाइनस उसके रूट में रहता है, ठीक है। तो इट्स अ रिलेशन बिटवीन फंगस एंड द रूट ऑफ हायर प्लांट्स सच एज पाइनस। रूट जो होता है फंगस को क्या, अपना फूड और शेल्टर दिया, और फंगस जो होता है पानी वगैरह एब्जॉर्ब करता है, मिनरल्स वगैरह और प्लांट को देता है, ठीक है। फिर तीसरा इसका म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है, जैसे कि आपने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, कैजोरिना, साइकस, एजोला, राइजोबियम, ये सब जो होते हैं, तो ये सब बैक्टीरिया जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, और ये भी रूट्स वगैरह के लेग्यूम वाले प्लांट्स के पल्सेस फैमिली के प्लांट से अटैच रहते हैं। तो दोनों को फ़ायदा इस बैक्टीरिया वगैरह क्या करता है, जो एब्जॉर्ब करता है एटमोसफेयर से नाइट्रोजन, उसको नाइट्रेट वगैरह में कन्वर्ट करके ग्राउंड में रिलीज़ कर देता है, प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बदले में प्लांट वगैरह उसे अपना रहने का जगह दे रहे हैं, खाने पीने का जगह दे रहे हैं, ठीक है। तो एनाबिना का एसोसिएशन विद एजोला एक फर्न है, ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन एनाबिना अ ब्लू ग्रीन एल्गी विद एजोला, वाटर फर्न होता है। उसी तरीके से राइजोबियम होता है दैट लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म। सो आई थिंक विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द चैप्टर। कॉम्पिटिशन वगैरह सब तो हम कुछ देख ही चुके हैं। अच्छा, पॉलिनेशन भी इसमें दिया हुआ है, पॉलिनेशन भी एक टाइप का क्या है, म्यूचुअलिज्म है, ठीक है। क्यों, पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, एनिमल और प्लांट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिनेशन के टाइम में। प्लांट जो होते हैं पॉलिनेशन के कारण क्या मिलते हैं उन्हें, ये पॉलिन ग्रेन मिल जाता है मेल गैमेट, उससे वो फर्टिलाइजेशन होता है और ग्रो करवाते हैं, ठीक है। और एनिमल को क्या मिलता है बदले में, जब वो प्लांट के ऊपर बैठता है तो नेक्टर वगैरह मिलता है, प्लांट का जो जूस वगैरह था उससे वो अपना भोजन पानी करता है, ठीक है। तो पॉलिनेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ व्हाट, म्यूचुअलिज्म। एक होता है मेडिटेरेनियन ऑर्चिड, ये क्या करता है, ये अपने आप को अपने सेक्सुअल पार्टनर की तरह एज्यूम करता है, अपना बॉडी वगैरह को उस तरह बना लेता है, ठीक है, फीमेल बी की तरह, और मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे स्यूडो पॉपुलेशन होता है, स्यूडो पॉपुलेशन बोलते हैं उसे। ये मतलब मेडिटेरेनियन ऑर्चिड जो है ये अपने आप को अपने बॉडी स्ट्रक्चर को उस तरीके का बना लेता है जैसे कि ये दिखने लगता है कि फीमेल बी की तरह। तो जब फीमेल बी दिखेगा तो मेल बी जो होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है एंड कम्स एंड स्यूडो पॉपुलेट्स विथ इट, ठीक है। सो इट्स अ काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म। सो विद दिस वी आर कम्प्लीटिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वन मोर वीडियो आई विल मेक, जो मैंने बताया था पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताना था, पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड, लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लेन द काइंड ऑफ ग्रोथ शोन बाई पॉपुलेशन। ओके, सो दिस कम्प्लीट्स योर चैप्टर। द नेक्स्ट वीडियो विल मेक अबाउट द चैप्टर नंबर 14 एंड दैट इज़ अबाउट इकोसिस्टम। लगभग सिमिलर चीज़ें उसमें भी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हो, दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग यूजिंग दिस PDF टू टीच यू दिस चैप्टर एंड ऑल, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। जहाँ पे समझने के लिए होगा वहाँ पे मैं सेपरेट वीडियोस वगैरह बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा जहाँ समझने की चीज़ें होंगी, अदरवाइज PDF से भी ये पढ़ सकते हो आप लोग, क्योंकि ये सब जस्ट रीडिंग टाइप काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, चार चैप्टर हैं इस लास्ट यूनिट में, चारों के चारों वैसे ही है, बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ जस्ट इफ यू गिव अ रीडिंग दैट इज़ ऑल्सो एनफ। ओके, सो लेट्स क्लोज दिस, थैंक यू।